नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। लाल बर्रा नगर मुख्यालय से समीपस्थ ग्राम पलाकामथी में शुक्रवार की दोपहर 12 बजे विगत सत्र 2014 से चल रहे अवैध निर्माण को सिविल कोर्ट के निर्देशन में लाल बर्रा के प्रभारी तहसीलदार इंद्रसेन तुमराली आरआई डोंगरे, स्थानीय पटवारी के साथ साथ पुलिस बल कोटवार के साथ ग्रामीण जनों की उपस्थिति में जेसीबी के माध्यम से सख्ती के साथ तोड़वाया गया। विदित हो कि आवेदक उमेश चंद भगत पिता खुशहाल भगत जाति पवार ग्राम पलाकामथी द्वारा शिकायत की गई थी कि अनावेदक भोजलाल पटेल पिता रंगलाल पटेल के द्वारा पटवारी हल्का नंबर 37 में खसरा नंबर 101/2 ग रकवा 0.012 हेक्टेयर पर मकान एवं धान मिल है, जिसके साथ शासकीय भूमि खसरा नंबर 97/2 PWD रोड है। उक्त शासकीय भूमि के 0.012 पर द्वारा अतिक्रमण कर मिल के साइड में बाथरूम बनाकर अतिक्रमण किए जाने के संबंध में शिकायत की गई थी, जो मामला सिविल कोर्ट में विगत कई वर्षों से लंबित था। आदेश क्रमांक 1733 दिनांक 7/9/2020 को बेदखल कब्जे का आदेश किया गया है, जिसमें ग्राम पलाकामथी में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 97/2 रकवा 1.028 में 6 वर्ग फीट पर आवेदक भोजलाल पिता रंगलाल जाति पवार निवासी पलाकामथी तहसील लाल बर्रा के द्वारा अवैध कब्जा किया गया था, जिसे तहसील माल जमादार एवं राजस्व निरीक्षक खमरिया पटवारी ग्रामवासियों के समक्ष मध्य शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 97/2 रकवा 1.028 में से 6 वर्ग फीट और अवैध कब्जा किया गया था, जिसे लाल बर्रा के प्रभारी तहसीलदार इंद्रसेन तुमराली आरआई डोंगरे, पटवारी गिरीश चौधरी, संजय पचौरी, माल जमादार वामनकर, प्रधान आरक्षक एस रंगारे, आरक्षक राहुल चौधरी, मनोज गुर्जर, लक्ष्मी मर्शकोले बिहारी परते, स्थानीय कोटवार व ग्राम के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में कब्जे की हुई जमीन को जेसीबी के माध्यम से तोड़वाया गया। वहीं बेदखली की कार्यवाही से आवेदक असंतुष्ट नजर आए। उनका कहना है कि हमारे द्वारा 12 वर्ग फुट से अतिक्रमण हटवाने हेतु आवेदन किया गया था, किंतु राजस्व विभाग द्वारा केवल 6 वर्ग फुट का ही अतिक्रमण हटाया गया। खबर समय जगत के लिए लाल बर्रा से विजय रजक की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।